कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आई एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंच बचाव कार्य शुरू कर दिए। हादसे में करीब 24 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार बस नंबर JK02X9817 नौ देवियों के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा आज दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब बस अनियंत्रित होकर एक खाई में जा गिरी। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस स्टेशन कटरा से, तो हमारी एम्बुलेंसेज रेडी थी। हमारी एम्बुलेंसेज स्पॉट पे पहुंची। ये जो बस यात्रियों से भरी हुई बस थी, जो देवा माई के रास्ते में उल्टी हो गई, तो अभी तक जो हमारे पास यात्री जो इंजर्ड आए हैं वो 25 लोग हैं। तो जिनमें से 5 जो लोग जो ज़्यादा इंजर्ड थे, जिनको सीरियस इंजरीज थी, इनमें ब्लंट ट्रामा चेस्ट थे, कुछ ब्लंट ट्रामा एब्डोमेन थे और कुछ फ्रैक्चर थे, उनको हमने GMC जम्मू में रेफर कर दिया है। और बाकी वाले जो पेशेंट हैं उनको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जी की अपडेट अपडेट रहे हमारे साथ। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लॉग ऑन करें JKUpdate.com पर। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें जेकी अपडेट मोबाइल ऐप। सब्सक्राइब करें जेकी अपडेट यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें।